दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड यानी कि माइक्रोबियल वर्ड से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वायरस वायरॉइड वीरियन और प्रियन से जुड़े हुए एम तो मैंने एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इंक्लूड किया हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज डिजीज सच एज एंड कुरू आर कॉज्ड बाई इन्फेक्शियस पार्टिकल्स नोन एज तो गायों में होने वाला न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज जिससे की गाय जो होती है वो पागल हो जाती हैं और इसी के साथ साथ एक और डिजीज है कुरू डिजीज तो आपको बताना है कि यह किस इंफेक्शियस पार्टिकल से होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कोरोना वायरस सेकेंड है वायरॉइड तीसरा है रेट्रोवाइरस और लास्ट ऑप्शन है प्रियोन्स तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है प्रियॉन्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है ए वायरस इज मेड अप ऑफ यानी कि विषाणु किसके बने होते हैं आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन कोट एंड माइट्रोकॉन्डिया थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन और लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन तो आपको बता दें कि जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए में से कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए हे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस दैट इनक्लोज जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड यानी कि अभी जब हम लोगों ने पढ़ा कि जो वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन कोट पाई जाती है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है तो आपको बताना है कि जो ये प्रोटीन कोट होती है वायरस में जो कि डीएनए या आरएनए को कवर करती है इस प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है वेरियन दूसरा ऑप्शन है कैप्सिड थर्ड ऑप्शन है पेप्लोमियस और लास्ट ऑप्शन है कैप्सोमियर तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कैप्सिड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ए विरियॉन यानी कि इनमें से कौन सा जो कथन है विरियॉन के लिए सही है पहला ऑप्शन है लाइटिक फेस सेकंड ऑप्शन है लाइसोजेनिक फेस थर्ड ऑप्शन है द वायरल कैप्सिड और लास्ट ऑप्शन है एन इन्फेक्सियस एंड फुली फॉर्म वायरल पार्टिकल तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है एन इन्फेक्सियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ द वायरस यानी कि वायरस में किस तरह का जीनोम या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डी दूसरा ऑप्शन है आर तीसरा ऑप्शन है डी एन ए आर आर और, और लास्ट ऑप्शन है डी एंड आर तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि वायरस में या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डीएनए एन ए आर 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 एन ए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस आपको बताना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है पहला ऑप्शन है मेगा वायरस चिलेंसिस दूसरा ऑप्शन है एरबो वायरस थर्ड ऑप्शन है हर्पेस वायरस और लास्ट ऑप्शन है मम्पस वायरस तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है मेगा वायरस चिलेंसिस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बहुत अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कैप्सोमीयर यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैप्सोमीयर के लिए सही है तो आपका पहला ऑप्शन है इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैप्सिड सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ ए वायरल प्रोटीन फॉर क्रिप्लीकेशन थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ए यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो वायरस होते हैं वायरस का जो सबसे बाहरी कवरिंग होता है वो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड और ये जो कैप्सिड होते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैप्सोमेयर तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड यानी कि जो कैप्सोमियर होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए स्मॉल यूनिट होते हैं जो कि कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑफ द द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पेप्लोमियर्स यानी कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो पेप्लोमियर्स के लिए सही है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैप्सिड सेकेंड ऑप्शन है इट इज ए स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनवल्प कोरोना is, is is, is -like so, वायरस देखा होगा या फिर एड्स वायरस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा की स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है यानी कि काटी नुमा संरचना दिखाई देती है या फिर कह सकते हैं खूटी नुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं पेप्लोमेयर्स तो आपका राइट right ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी इट इज ए स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनवल्ब्ड वायरसेस अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है एन आइकोसा हिड्रल कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ तो आपको बताना है कि आइकोसा हिड्रल कैप्सिड जो होते हैं वो बने होते हैं तो आइकोसा हिड्रल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसे हम पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं यानी कि इसमें लगभग ट्वेंटी फेस होते हैं जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं तो इस तरह का जो कैप्सिट होता है वह किससे बना होता है पहला ऑप्शन है हेक्सागोनल कैप्सोमियर है पेंटागोनल कैप्सोमियर, थर्ड है ट्रायंगुलर कैप्सोमियर्स और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी तो आपको बता दें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी अगला क्वेश्चन है हैज़ ए कॉम्प्लेक्स सिमेट्री आपको बताना है कि इनमें से किसकी जो संरचना होती है यानी कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी संरचना जो होती है वो जटिल होती है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टी फोर फेजेज सेकेंड है एडीनो वायरस थर्ड है इन्फ्लुएंजा वायरस और लास्ट है ऑल ऑफ द एब तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है टी फोर फेज तो आपने टी फोर फेज का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसका स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लेक्स रूप से दिखाई देगा यानी कि जटिल संरचना वाला दिखाई देगा अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है द वायरल इनवलप इज अप ऑफ यानी कि वायरस में जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रोटीन दूसरा है ग्लाइको प्रोटीन तीसरा है लिपिड एंड प्रोटीन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एवब तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एवब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलिकल वायरस तो यहाँ पर हेलिकल संरचना वाला वायरस कौन सा है पहला है टीएम बी दूसरा है टी फोर फेस थर्ड है पॉक्स वायरस और लास्ट है हर्पिस वायरस तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है टोबैको मोजैक वायरस यानी कि टीएम बी अच्छा चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वायरसेस यानी कि इनमें से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए सही है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है फ्री लिविंग सेकंड है ऑब्लिगेट पैरासाइट थर्ड है बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ऑब्लिगेट पैरासाइट तो जो वायरस होते हैं ये सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है ए फुली फॉर्म इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कार्ल्ड जो पूरी तरह से बना हुआ विषाणु का जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है विरियॉन सेकंड है वायराइड थर्ड है कैप्सिड और लास्ट है वायरोसॉइड तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वीर आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द टोबैको मोजैक वायरस यानी कि टी तो आपको बताना है कि टी के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आर वायरस सेकेंड ऑप्शन है डी वायरस थर्ड है बैक्टीरियो फेज लास्ट ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो आपको बता दें जो ये टी वायरस होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आर तो इसलिए एक आर वायरस है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए आर वायरस अगला क्वेश्चन है द सेप ऑफ द टी एम वी इज यानी कि जो टोबैको मोजेक वायरस है उसका सेप कैसा होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रॉड सेप्ड दूसरा है ओवल सेप्ड तीसरा है क्यूबॉइडल सेप्ड और लास्ट है स्फेरिकल सेप्ट तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है रॉड या फिर कह सकते हैं हेलिकल चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर अगला है वायरस अटैक बैक्टीरिया आर यानी कि ऐसे विषाणु जो कि जीवाणु पर आक्रमण करते हैं उन्हें नष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे अगला क्वेश्चन है द टी टू फेज इज कॉल्ड यानी कि जो टी टू फेज वायरस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है और उसी के आधार पर इसे हम कहते हैं पहला ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फेज दूसरा ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फेज तीसरा ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए फेज और लास्ट है डबल स्टैंडर्ड आरएनए फेज तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए फेज अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियो फेज दैट इंड्यूस बैक्टीरियल सेल लाइसिस आर कॉल्ड यानी कि जो बैक्टीरियो फेज वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की कोशिका को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं उस फेज़ को हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है पहला है वायरोइड्स दूसरा है लाइसोजेनिक फेज थर्ड है वायरुलेंट फेज और लास्ट है टेम्परेट फेज तो इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी वायरुलेंट फेज़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज स्मॉलेस्ट जीनोम यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषाणु है जिसका जेनेटिक मटेरियल सबसे छोटा होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रेबीज वायरस दूसरा है सरको वायरस तीसरा है हर्पेस वायरस और लास्ट है मीमी वायरस तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सर्को वायरस चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है इन्फेक्शियस आर एन ए पार्टिकल विदाउट द प्रोटीन कोट आर कॉल्ड यानी कि बिना प्रोटीन कोट के जो वायरस का संक्रमणकारी आर पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रियॉन्स दूसरा है वेरियन थर्ड है वायरॉइड्स और लास्ट है वायरोसॉइड तो इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी वायरॉइड अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द वायरल कैप्सीड आर नोन एज तो जो वायरस होते हैं उनके कैप्सिड पर आपको खूटी नुमा या फिर कह सकते हैं कांटे नुमा संरचना दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं अभी पीछे मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर डालकर हमें आंसर बताइएगा अगला क्वेश्चन है वायरल जीनोम इंसर्टेड टू द बैक्टीरियल डी एन इज टर्म एज यानी कि बैक्टीरिया के डी में यदि वायरस का जो जीनोम है वह जुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है पहला है लाइसोजेनी दूसरा है प्रोफेस थर्ड है लाइटिक साइकिल और लास्ट है वायोलेंट फेस तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोफेज अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सिड यानी कि कैप्सिड का मुख्य कार्य क्या है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डिटरमाइन द एंटीजेनिक स्पेफिसिटी ऑफ द वायरस सेकंड है प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और लास्ट है नन ऑफ तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है बोथ ए ए एंड बी बी यानी कि A और B दोनों ऑप्शन सही है इसलिए आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है आर द नेग्ड आर एन ए स्टैंड इन प्लांट्स यानी कि ऐसा नग्न आर एन ए स्टैंड जो कि पौधों में रोग उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है पहला है प्रियॉन दूसरा है अरण्य वायरस तीसरा है वायराइड्स और लास्ट है रिट्रो तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी वायराइड्स अः चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है इज ए प्रोटीन हैविंग पार्टिकल विथ नो डिटेचेबल न्यूक्लिक एसिड यानी कि ऐसा प्रोटीन कोट जिसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रोटीन सेकेंड है वायरॉयड थर्ड है प्रियओंस लास्ट है वेरियंस तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रियंस आज चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर और, और लास्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन सेल्स दिस इज द फर्स्ट वायरस टू बी कल्चर्ड यानी कि मानव कोशिका से सबसे पहला वायरस जो कि कल्चर किया गया था यानी कि संवर्धित किया गया था आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन एच आई दूसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस थर्ड है डेंगू वायरस और लास्ट है पोलियो वायरस तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पोलियो वायरस तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने वायरस वायरॉइड्स वीरियन पिरीओं और बाकी जितने भी माइक्रोबियल वर्ड्स से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स माइक्रोब्स हैं उनसे जुड़े हुए एम को सॉल्व किया आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत